9 जुलाई को निगम भिलाई अपने क्षेत्र के तालाबों, स्कूलों, पुलिस थाना, बाजार क्षेत्र में वृहद वृक्षारोपण अभियान चलाने वाला है, जिसकी तैयारियां पूर्ण की जा चुकी है, जिसकी समीक्षा आयुक्त रोहित व्यास एवं महापौर नीरज पाल ने बैठक लेकर की और अधिकारियों को निर्देशित किया कि भिलाई को हरा भरा बनाने में कोई कसर नहीं छूटनी चाहिए। निगम भिलाई में लगातार समीक्षा बैठकों का दौर चलता रहता है, यही कारण है कि भिलाई क्षेत्र अपने विकास की गाथा खुद कहता नजर आता है। इसी विकास गाथा को आगे बढ़ाते हुए निगम भिलाई 9 जुलाई को वृहद वृक्षारोपण अभियान चलाने वाला है। उद्देश्य है पूरे भिलाई को हरा भरा करने का, जिसकी तैयारियां भी पूर्ण की जा चुकी है। इन्हीं तैयारियों की जानकारी लेने हेतु निगम आयुक्त रोहित व्यास एवं महापौर नीरज पाल ने समीक्षा बैठक ली और उनसे जाना कि भिलाई में किन किन स्थानों पर वृक्षारोपण अभियान के तहत कार्य किए जाएंगे। वृक्षारोपण करने वाले स्थानों में स्कूल प्रांगण, क्षेत्र के थाना प्रांगण, तालाबों के किनारे एवं बाजार क्षेत्र जहां खाली स्थल मौजूद है, इन जगहों को चयनित किया गया है। देखिए, समीक्षा बैठक में अभी जो आगामी अभी मानसून सीजन को देखते हुए जो प्लांटेशन लगाए जाने हैं उसको लेकर एक कैंपेन चलाया जाना है और 9 जुलाई को जो है महाअभियान इसके लिए चलाया जाएगा, जिसमें आंगनबाड़ी, स्कूल और जो अस्पताल है, थाना परिसर है और इसके अलावा जो सभी जोन क्षेत्रों में नाले हैं, तालाब हैं, स्कूल परिसर है, इस टाइप से जो प्लेसेस हैं, जो खाली स्थान है, उस पर प्लांटेशन किया जाएगा। इसके अलावा वेंडिंग जोन का जो निर्माण करना है और इसके अलावा आत्मानंद स्कूल का जो प्रोग्रेस है और गौधन न्याय योजना के तहत में जो फ्लैगशिप योजनाएं हैं, इसको लेकर के आयुक्त महोदय ने समीक्षा की है और अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। निगम प्रशासन ने अपने भिलाई क्षेत्र को पूर्णतः हरा भरा बनाने एक अभियान छेड़ दिया है, जिसकी शुरुआत 9 जुलाई को बृहद वृक्षारोपण अभियान के साथ की जा रही है। साथ ही निगम क्षेत्रवासियों से अपील की जा रही है कि वह भी अपने घर, प्रतिष्ठान के आसपास की खाली जगहों पर वृक्षारोपण कर इस अभियान में अपनी महती भूमिका निभाएं। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।